Today we are going to discuss artificial intelligence and its introduction. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक ऐसी फील्ड है जो हर डिसिप्लिन को फैसिनेट करती है, चाहे कोई कंप्यूटर साइंस में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है या किसी और डिसिप्लिन में है। जितने भी रिसर्चर्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो कोई एक ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसके ज़रिए उनके जो एक्सपेरिमेंट्स को या उनके जो रिसर्च वर्क को सिमुलेट किया जा सके। तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इंटेलिजेंस की डेफिनेशन क्या है। इंटेलिजेंस द एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ह्यूमन मैनकाइंड का जो नाम है, जो वो नाम है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का मतलब है वाइस, यानी ऐसी स्पीशीज जो कि वाइस है, विच हैज इंटेलिजेंस। क्योंकि हमारी जो दिमागी सलाहियतें हैं वो इतनी अहम है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए और हमारे अपने सर्वाइवल के लिए कि इसके बगैर ह्यूमन मैनकाइंड की सर्वाइवल नहीं है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है, इट ट्राइज एंड अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंट एंटिटीज। जो डिफरेंट इंटेलिजेंट एंटिटीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने की इसमें कोशिश की जाती है। और इसकी एक और रीज़न जो इसको स्टडी करने की है वो ये है कि इससे हम अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हैं। फिलॉसफी और साइकोलॉजी, उसमें भी इंटेलिजेंस को डिस्कस किया जाता है, लेकिन AI इन दोनों से, साइकोलॉजी और फिलॉसफी से इसलिए डिफरेंट है कि AI के अंदर इंटेलिजेंट एंटिटीज को बिल्ड किया जाता है और उनको समझा भी जाता है। दूसरी वजह जो AI को स्टडी करने की है कि जो इंटेलिजेंट एंटिटीज बनाई जाती हैं, दे आर वेरी interesting and useful in their own right. Like if we have a report and we have assigned some task to clean the room, तो ऐसा जो रोबोट है वो उस रूम को क्लीन भी करेगा और इंटेलिजेंटली इस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स बन गई है या बहुत सी ऐसी जो प्रोडक्ट्स है वो इन डेवलपमेंट प्रोसेस में हैं जो फिर हम बाद में यूज़ कर सकेंगे। तो फ्यूचर में यही प्रिडिक्ट किया जाता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट जो है इम्पैक्ट होगा। तो AI जो है इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कैसे पॉसिबल है कि एक जो टाइनी ब्रेन है, वेदर वो बायोलॉजिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, वो एनवायरनमेंट से परसीव करे, फिर उसी परसेप्शन की बेस के ऊपर प्रिडिक्ट करे और मैनिपुलेट करे वर्ड फॉर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इटसेल्फ। तो हम कोई ऐसी एंटिटी कैसे बना सकते हैं जिसमें इंटेलिजेंस की सारी प्रॉपर्टीज हों? ये मुश्किल सवाल हैं और इनके जवाब जो हैं वो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल सकते हैं। AI जो रिसर्चर्स हैं या AI के अंदर जो रिसर्च एरियाज हैं उनके ज़रिए हम ऐसे सिस्टम्स बना सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम बना सकते हैं
जो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट से लर्न कर सकते हैं, और उन सब सिस्टम्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। इसमें एक सिंपल सी बात है, अगर इफ यू वांट टू मेक एन इंटेलिजेंट एंटिटी देन यू हैव टू लुक इन द मिरर टू सी एन एग्जांपल ऑफ एन इंटेलिजेंट सिस्टम, बिकॉज वी आर द इंटेलिजेंट स्पीशीज ऑन अर्थ। तो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको अगर जो मशीन के अंदर सिमुलेट किया जाए या किसी सॉफ्टवेयर या एंटिटी में उसको सिमुलेट किया जाए, तब भी हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हैं। एआई जो है एक नया डिसिप्लिन, इसको जब इनिशिएट किया गया था वो 1956 में इनिशिएट किया गया था, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म फर्स्ट टाइम यूज हुई। अब जो नए जो मॉडर्न जेनेटिक्स हैं उसमें कहा जाता है कि दिस इज अ फील्ड आई वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन। बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं लाइक जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो डिसिप्लिन के रिसर्चर्स हैं, दे वांट टू लर्न एआई टू सिमुलेट देयर एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि बहुत सा जो काम है वो जो जितने भी फेमस साइंटिस्ट हैं लाइक गैलीलियो न्यूटन आइंस्टाइन दे हैव ऑलरेडी डन, लेकिन एआई क्योंकि एक नई फील्ड है और इसमें बहुत से रिसर्च एवेन्यूज ओपन है, इसलिए हर जो रिसर्चर है वो चाह रहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लर्न करे। 1950s में जो कंप्यूटर इन्वेंट हो गए थे और उसमें जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स यूज करके जो सिंपल प्रॉब्लम से उनको सॉल्व किया जा रहा था, द एडवेंट ऑफ यूजफुल कंप्यूटर्स इन द अर्ली 1950s टर्न द लर्न्ड बट आर्म चेयर स्पेकुलेशन कंसर्निंग दीज मेंटल फैकल्टीज इन टू अ रियल एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल डिसिप्लिन। तो जब कंप्यूटर इन्वेंट हो गए तो जितनी भी एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल थ्योरीज थी उन सब को हमारे पास उसको टेस्ट करने के लिए एक मशीन दस्तयाब हो गई। तो बहुत से लोगों ने ख्याल किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक सुपर ब्रेन है इसके अंदर बहुत अनलिमिटेड जो है वो इंटेलिजेंस है, इवन फास्टर देन आइंस्टाइन। तो जो कंप्यूटर था वो एक ऐसे टूल साबित हुआ जिसके जरिए हम किसी भी इंटेलिजेंस की थ्योरीज को टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सी जो थ्योरीज पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन कंप्यूटर के ऊपर जब उसको टेस्ट किया गया तो वो फेल हो गई। तो एआई जो है वो एक डिफिकल्ट डिसिप्लिन भी है और इसमें बहुत से मॉडर्न आइडियाज हैं, और इसके अलावा बहुत से इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं। अब एआई के अंदर बहुत सी सब फील्ड्स हैं, लाइक जनरल पर्पस एरियाज हैं सच एज परसेप्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग, टू स्पेसिफिक टास्क सच एज प्लेइंग चेस। तो प्लेइंग चेस जो है वो एक एक्टिविटी है जिसको सिमुलेट किया जा सकता है कंप्यूटर्स के अंदर बाय मेकिंग देम इंटेलिजेंस, प्रूविंग मैथमेटिकल थ्योरम्स, राइटिंग पोइट्री एंड डायग्नोसिंग डिसीजेस, ऑल दीज आर द स्पेसिफिक टास्क दोज कैन बी परफॉर्म बाय इंटेलिजेंट एंटिटीज। द साइंटिस्ट्स ऑफ अदर फील्ड्स आर मूविंग ग्रेजुअली इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर दे फाइंड द टूल्स एंड वोकैबुलरी टू सिस्टमाइज एंड ऑटोमेट द इंटेलेक्चुअल टास्क ऑन विच दे हैव बीन वर्किंग ऑल देयर लाइफ्स।
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट हैं उनके पास भी जो मेथड्स हैं जिनको वो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एंडीवर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल फील्ड है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी नंबर ऑफ डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो अकॉर्डिंगली इसको डिफाइन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है बाय विकिपीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द इंटेलिजेंस एक्सपीटेड बाय मशीन्स और सॉफ्टवेयर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से मुराद ये है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो मशीन हो या सॉफ्टवेयर हो, जब वो इंटेलिजेंस शो करे तो उस मशीन को या उस सिस्टम को हम एआई सिस्टम कह सकते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिफरेंट डेफिनेशंस हैं वो नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर एक टेबल की सूरत में है। उससे पहले ये मैककॉर्थी वो बताता है कि द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके जरिए हम इंटेलिजेंट मशीन्स को इन्वेंट करते हैं, उनको कॉइन करते हैं। तो ऐसे डिसिप्लिन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। अकॉर्डिंग टू रसल एंड नॉर्विक, जो इस टेक्स्ट बुक के ऑथर हैं, जो हम टेक्स्ट बुक यूज करेंगे थ्रू आउट द कोर्स, उसके मुताबिक द स्टडी एंड डिजाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, वेयर एन इंटेलिजेंट एजेंट इज अ सिस्टम दैट परसीव्स इट्स इन्वायरमेंट एंड टेक एक्शंस दैट मैक्सिमाइज इट्स चांसेस ऑफ सक्सेस। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स से मुराद, और इंटेलिजेंट जो एजेंट है वो कोई मशीन हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, और इंटेलिजेंट एजेंट से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जो इन्वायरमेंट से परसीव करता है, यानी इन्वायरमेंट से इनपुट लेता है एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट एंड बेस्ड ऑन दैट परसेप्शन टेक्स एक्शन दैट मैक्सिमाइजेस इट्स चांसेस ऑफ सक्सेस। तो इंटेलिजेंट एजेंट जो है अपने इन्वायरमेंट से परसीव करेगा और उस परसेप्शन की बेस के ऊपर डिसीजन लेगा, और डिसीजन ऐसे होंगे बिकॉज एन इंटेलिजेंट हैव अ लिस्ट ऑफ डिसीजन टू मेक। तो अब कौन सा डिसीजन वो सिलेक्ट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन इट्स गोल। लाइक एक वैक्यूम क्लीनर जो है वो एक इंटेलिजेंट एजेंट है, तो वो परसीव करेगा अपने एनवायरनमेंट से, अगर एनवायरनमेंट डर्टी है तो वो उसको क्लीन करेगा। तो उसका जो पर्पस है किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट का, वो ये है कि अपने गोल को मैक्सिमाइज करे। व्हाई वी नीड एआई? तो एंड्रियो एनजी एक वेल नोन साइंटिस्ट है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही सेज दैट जस्ट एज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रीड अप अ लॉट ऑफ ह्यूमैनिटी फ्रॉम फिजिकल ड्रजरी, आई थिंक एआई हैज अ पोटेंशियल टू फ्री अप ह्यूमैनिटी फ्रॉम अ लॉट ऑफ द मेंटल ड्रजरी। तो जिस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने हमें बहुत से लेबर वर्क से बचाया, इसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत से हमारे जो मेंटल ओवरहेड है उससे हमें बचाएगा। लाइक जब मशीन्स, कार्स, मोटर्स, ट्रक्स और फैक्ट्रीज इन्वेंट हुई तो बहुत सा जो लेबर वर्क है वो हम मशीन्स के जरिए कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो डिसीजन मेकिंग है या कोई इंटेलिजेंट एक्शन हमने परफॉर्म करने हैं वो ह्यूमन बीइंग ही कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास मशीन्स ऐसी आ जाएंगी जो कि इंटेलिजेंट होंगी, जो कि
अपने एनवायरनमेंट से लर्न कर सकती हैं, परसीव कर सकती हैं और उसके मुताबिक डिसीजन ले सकती हैं, तो फिर बहुत सी जो ऐसी एफर्ट्स हैं जो हम डिसीजन मेकिंग में लगाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये चार डेफिनेशंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो चार डेफिनेशंस हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया है। ये जो डेफिनेशंस हैं ये वेरी करती हैं अलोंग टू डायमेंशंस। जो टॉप के ऊपर डेफिनेशंस हैं दे आर कंसर्न्ड विद थॉट प्रोसेस एंड रीजनिंग। जो थॉट प्रोसेस और रीजनिंग के बारे में हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं दीज आर द अबव दीज टू टॉप डेफिनेशंस, थिंकिंग ह्यूमनली एंड थिंकिंग रैशनली। डेफिनेशंस ऑन द लेफ्ट मेजर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस। तो ये वाली जो दो डेफिनेशंस हैं अगर हम इस डायमेंशन में देखें, थिंकिंग ह्यूमनली एक्टिंग ह्यूमनली, तो ये जब भी मेजर करेंगे सक्सेस को तो इट विल कंपेयर देम विद द ह्यूमन परफॉर्मेंस। जबकि जो राइट साइड के ऊपर है तो ये जो इसमें जो परफॉर्मेंस मेजर होगी वो मेजर होगी अगेंस्ट एन आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस जिसको हम रैशनैलिटी कहेंगे। एक सिस्टम को हम तब रैशनल कहेंगे अगर वो कोई राइट थिंग राइट जॉब करता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर वैक्यूम क्लीनर एजेंट व्हाट वुड बी द राइट थिंग टू डू इज टू क्लीन द रूम। तो ऐसी ऐसा कोई भी गोल ऐसी कोई भी जॉब विच लीड्स दैट एजेंट टू वर्ड्स इट्स गोल और मैक्सिमाइज इट्स परफॉर्मेंस टू अचीव दैट गोल इज कॉल्ड रैशनैलिटी। तो इन डेफिनेशंस को हम देख के हम एस्टिमेट कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज गिवन अस गोल्स टू परस्यू, जिस तरह के ये फिगर के कैप्शन में है। ये चारों जो अप्रोचेस हैं इन चारों अप्रोचेस को फॉलो किया जाता है और इसको इसमें कोई ऐसे डिस्प्यूट्स नहीं है, इसमें जस्ट अप्रोच डिफरेंट है। एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है और दूसरी जो है वो रेशनैलिटी के लिए। जो ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है दैट शुड बी इम्पीरिकल साइंस जिसमें हाइपोथेसिस हैं और एक्सपेरिमेंटल जो थॉट्स हैं उनको कंसीडर किया गया। जबकि जो रैशनल अप्रोच है इसके अंदर मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन है और बाज़ औक़ात ये दोनों जो ग्रुप्स हैं दे कैन वर्क टुगेदर और दोनों ग्रुप्स की जो डायरेक्शन है दे हैव यील्डेड वैल्यूएबल इंसाइट्स। अब इसको मजीद हम अगर डिटेल में देखते हैं एक्टिंग ह्यूमनली, एक्टिंग ह्यूमनली को हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए थिंकिंग ह्यूमनली इज दैट अ कॉग्निटिव अप्रोच। इट रिक्वायर्स टू डिटरमाइन हाउ ह्यूमन थिंक
तो 1960 में जो कग्निटिव रेवोल्यूशन थी, इसमें साइंटिफिक थ्योरी थी जिसके अंदर इंटरनल एक्टिविटीज और ब्रेन को स्टडी किया जाता था, और हमारा जो ब्रेन है किस लेवल की एब्स्ट्रैक्शन करता है, और उसमें जो नॉलेज या सर्किट्स कैसे आता है और उसको कैसे वैलिडेट किया जाता है। तो आज जो कग्निटिव साइंस है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं जिनको अलग अलग स्टडी किया जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग टेस्ट को। ट्यूरिंग टेस्ट वाज प्रपोज्ड बाय एलन ट्यूरिंग इन 1950s एंड इट वाज डिजाइन टू प्रोवाइड अ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो एम्फेसिस इज ऑन ऑपरेशनल डेफिनेशन, कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो जो कि वर्किंग है और इंटेलिजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू ट्यूरिंग, ऐसा बिहेवियर, ऐसा इंटेलिजेंट बिहेवियर जो ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस दे, जितने भी कैग्निटिव टास्क हैं, और किसी भी इंटेरोगेटर को फूल कर दे कि वो रिकग्नाइज ना कर सके कि ये मशीन बेस्ड को इंटेलिजेंट सिस्टम है या एक्चुअल ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे सिस्टम को हम इंटेलिजेंट कहेंगे। तो इसमें जो टेस्ट जो प्रपोज करता है कि जो कंप्यूटर है उसको, ये एक ह्यूमन है और दिस इज एआई सिस्टम, और ये ह्यूमन इंटेरोगेटर है। ये ह्यूमन इंटेरोगेटर क्वेश्चन करेगा, इंटेरोगेट करेगा, और दोनों से, ह्यूमन से भी और एआई सिस्टम से। अगर ये ह्यूमन इंटेरोगेटर इन दोनों में कोई डिफरेंस ना कर सके, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एआई सिस्टम है वो वाकई एआई सिस्टम है, इट हैज पास द टेस्ट, ट्यूरिंग टेस्ट। तो इसके बारे में मजीद डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि अगर वो ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेता है तो वाकई हम उसको इंटेलिजेंट सिस्टम कह सकते हैं या नहीं। तो लेकिन अभी तक जो हम किसी भी कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं ताकि वो टेस्ट पास कर सके, तो उसके लिए भी काफी एफर्ट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूरिंग टेस्ट को पास करने के लिए मिनिमम 4 कैपेबिलिटीज किसी भी सिस्टम में होनी चाहिए। नंबर 1 इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टू इनेबल इट टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली इन इंग्लिश और सम अदर ह्यूमन लैंग्वेज, ताकि वो इंटेरोगेटर के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सके और अकॉर्डिंगली उसके आंसर दे सके। तो इसलिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, ये एबिलिटी एआई सिस्टम में होनी चाहिए। नंबर 2 है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मींस टू स्टोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिफोर और ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी उस सिस्टम में होनी चाहिए जिसकी बेस के ऊपर जो एआई सिस्टम है वो आंसर कर सके। अब जो आंसर करना है वो आता है ऑटोमेटेड रीजनिंग में। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके, चाहे वो इंटरव्यू से पहले हो या बाद में हो, और उस नॉलेज की बेस के ऊपर कोई आंसर करना, दैट वुड बी द ऑटोमेटेड रीजनिंग। टू यूज द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चंस एंड टू ड्रॉ न्यू कंक्लूजन्स। तो ये ऑटोमेटेड रीजनिंग इज द थर्ड कैपेबिलिटी विच इज रिक्वायर्ड इन एन ए सिस्टम टू पास द ट्यूरिंग टेस्ट। नंबर 4 इज मशीन लर्निंग। टू अडॉप्ट टू न्यू सर्कमस्टांसेस एंड टू डिटेक्ट एंड
एक्स्ट्रापोलेट पैटर्न्स, तो मशीन लर्निंग की कैपेसिटी उसमें ये होगी कि उसके पास अगर सिस्टम में पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है और कोई ऐसा सिनेरियो है जो कि अवेलेबल नहीं है, उसके नॉलेज बेस में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशन मशीन या एआई सिस्टम उसको अडॉप्ट करे और लर्न कर ले। ट्यूरिंग्स टेस्ट डेलिबरेटली अवॉइडेड डायरेक्ट फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरोगेटर एंड द कंप्यूटर बिकॉज फिजिकल सिमुलेशन ऑफ अ पर्सन इज अननेसेसरी फॉर इंटेलिजेंस। हाउएवर द सो कॉल्ड टोटल ट्यूरिंग टेस्ट इंक्लूड्स अ वीडियो सिग्नल सो दैट द इंटेरोगेटर कैन टेस्ट दी सब्जेक्ट्स परसेप्चुअल एबिलिटीज। तो एक वीडियो सिग्नल के जरिए भी जो एआई सिस्टम है उसकी परसेप्चुअल एबिलिटीज को टेस्ट किया जा सकता है। तो टोटल ट्यूरिंग टेस्ट जो था उसके लिए कंप्यूटर को कंप्यूटर विजन ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर सके, और रोबोटिक्स की कैपेबिलिटी इसमें होनी चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्ट्स हों क्वेश्चनिंग के लिए उनको भी मूव कर सके। तो जो एक्टिंग ह्यूमनली है या ये फील्ड या ये डिसिप्लिन, ये उस वक्त इफेक्टिव होता है जब सिस्टम ने ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करना हो या कोई डायलॉग करना हो, और ये जो प्रोग्राम्स हैं अकॉर्डिंग टू सर्टेन नॉर्मल कन्वेंशंस के मुताबिक होने चाहिए जो ह्यूमन इंटरेक्शन के लिए हो ताकि उनको समझा जा सके। इस तरह ये प्लेन है, तो ये प्लेन जो बनाया गया ये इसी तरह ये डिफरेंट जो अवेलेबल एनिमल्स हैं उनकी जो सिमुलेशन है उनको कंसीडर करके बनाया गया। नेक्स्ट है थिंकिंग ह्यूमन। ये थिंकिंग रैशनली, लॉ ऑफ थॉट्स, तो ये क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं फोर जो डेफिनेशंस हैं तो उसमें एक थिंकिंग रैशनली है। व्हाट इज थिंकिंग रैशनली? तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज राइट थिंकिंग। थिंकिंग रैशनली का मतलब है कि जो राइट जॉब है उसके बारे में जो है वो डिस्कस किया जाए। व्हेन इट कम्स विद द थिंकिंग, तो इस तरह की जो डेफिनेशन है दे डील विद द लॉस ऑफ थॉट अप्रोच। द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टो वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू अटेम्प्ट टू क्वालिफाई राइट थिंकिंग, दैट इज इररिफ्यूटेबल रीजनिंग प्रोसेस। हिज फेमस सिलोजिज्म्स प्रोवाइड पैटर्न्स फॉर आर्गुमेंट स्ट्रक्चर्स दैट ऑलवेज गिव करेक्ट कंक्लूजन, गिव करेक्ट प्रमिसेस। फॉर एग्जाम्पल, तो जो थिंकिंग रैशनली है इसमें कोई इस तरह का थॉट प्रोसेस होता है जिससे हमें करेक्ट आंसर मिले। फॉर एग्जाम्पल, सुकरात इज अ मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल, देयर फोर सुकरात इज मॉर्टल। These laws of thoughts were supposed to govern the operation of the mind and initiated the field of logic. तो इसको हम logical reasoning कहते हैं। ये हमारे पास एक logical statement है कि सुकरात इज अ मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल, देयर फोर सुकरात इज अ मॉर्टल। तो जो देयर फोर सुकरात इज अ मॉर्टल, दिस इज अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन इन द प्रीवियस सेंटेंस। द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल लॉजिक इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विच वी डिस्क्राइब इन
हम डिस्कस कर रहे थे थिंकिंग रैशनली, व्हाट इज राइट थिंकिंग। तो राइट थिंकिंग से मुराद है कि कोई भी जो बात कंक्लूड की जाए, कोई भी स्टेटमेंट दी जाए, दैट स्टेटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन सम लॉजिक। तो इसमें बहुत से जो ग्रीक स्कॉलर्स हैं उन्होंने काम किया और उन्होंने बहुत सी कनोटेशन जो हैं और रूल्स जो थे उनको ड्राइव किया और उनकी बेस के ऊपर जो है वो रिजल्ट्स कंक्लूड किए। जिस तरह एक एग्जांपल है, एक स्टेटमेंट है, स्क्रॉथ इज अ मैन, ऑल मैन आर मॉर्टल, देयरफॉर स्क्रॉथ इज मॉर्टल। तो ये कंक्लूजन जो है ये प्रीवियस प्रोपोजिशन की बेस के ऊपर है कि अगर सुकरात जो है वो मैन है और जितने भी मैन है दे आर मॉर्टल, इट मीन्स सुकरात इज आल्सो मॉर्टल। तो ये जो लॉज ऑफ थॉट्स हैं ये बताते हैं कि हाउ माइंड जो है वो हाउ माइंड वर्क्स और किस तरह जो लॉजिक की जो फील्ड है वो इनिशिएट होती है। द डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मल लॉजिक इन द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी विच वी Describe in more detail in next section provided a precise notation for statements about all kinds of things in the world and relation between them. By 1965, program existed that could given enough time and memory take a description of a problem in logical notation and find the solution to the problem. If one exists. तो इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो बनना शुरू हो गए थे जो स्टेटमेंट्स लॉजिक स्टेटमेंट्स लेते थे और उनके ऊपर जो है एग्जीक्यूशन होती थी और वो रिजल्ट कंक्लूड करके देते थे। फिर उसके बाद जो लॉजिक्स ट्रेडिशन थी जिसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया गया और जिसके जरिए ऐसे प्रोग्राम बनाए गए ताकि इंटेलिजेंट सिस्टम्स को क्रिएट किया जाए। तो इसमें दो मेन जो लॉजिस्ट ट्रेडिशन विद इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होप्स टू बिल्ड ऑन सच प्रोग्राम्स टू क्रिएट इंटेलिजेंट सिस्टम्स। बट देर आर टू मेन ऑब्स्टेकल्स टू दिस अप्रोच। फर्स्ट, इट इज नॉट ईजी टू टेक इनफॉर्मल नॉलेज एंड stated in the formal terms required by logical notations, particularly when the knowledge is less than 100% certain. Second, there is a big difference between being able to solve a problem in principle and doing so in practice. Even problems with just a few dozen facts and exhaust the computational resources of any computer unless it has some guidance as to which reasoning steps to try first. Although both of these obstacles apply to any attempt to build computational reasoning systems, they appeared first in the logist tradition because the power of the representation and reasoning system are well defined and fairly well understood. So, two main obstacles are इस अप्रोच को अप्लाई करने के लिए कि जितना भी इनफॉर्मल नॉलेज है उसको फॉर्मल नोटेशन में जो के लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं उसमें रिप्रेजेंट करना मुश्किल है। और इसी तरह फिर जो सेकंड इसमें थॉट है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उसको इन प्रैक्टिस लेके आना वो डिफिकल्ट है। तो कुछ जो स्मॉलर प्रॉब्लम्स हैं वो भी किसी भी कंप्यूटेशनल सिस्टम को एग्जॉस्ट कर सकती है। लाइक उसमें जो कंप्यूटेशन पावर रिक्वायर्ड है वो बहुत ज़्यादा हो रिक्वायर्ड है और जो हमारे सिस्टम है उनको डील नहीं कर सकते। ये दोनों जो ऑब्स्टेकल्स हैं जब भी हम कोई कंप्यूटेशनल रीजनिंग सिस्टम बिल्ड करना चाह रहे हैं तब आती हैं। और ये जो पहली दफ़ा अपीयर हुई थी वो लॉजिस्ट ट्रेडिशन के अंदर हुई थी क्योंकि जो पावर जो कि रिक्वायर्ड है रिप्रेजेंटेशन के लिए और रीजनिंग सिस्टम के लिए वो उसको हम वेल डिफाइंड रख सकते हैं।
नेक्स्ट है एक्टिंग रैशनली। एक्टिंग रैशनली मीन्स एक्टिंग सो एज टू अचीव वन्स गोल्स गिवन वन्स बिलीव्स। एन एजेंट इज जस्ट समथिंग दैट परसीव्स एंड एक्ट्स। दिस मे बी एन अनयूजुअल यूज ऑफ वर्ड बट यू विल गेट यूज टू इट इन दिस अप्रोच। AI is viewed as the study and construction of rational agent. So according to this book, according to the author of these books, ke jo intelligent agents hain, they are viewed as a study and construction of rational agents. In the laws of thought approach to AI, whole emphasis was on correct inferences. Making correct inference is sometimes part of being a rational agent. Because one way to act rationality is to reason logically to the conclusion that a given action will achieve one's goal and then to act on that conclusion. On the other hand, correct inference is not all of rationality because there are often situations where there is no probably correct thing to do, yet something must still be done. There are also ways of acting rationally that cannot be reasonably said to involve inference. For example, pulling one's hand off a hot stove is a reflex action that is more successful than a slower action taken after careful deliberation. So, kuch aise actions hote hain, those are not based on right thinking, not based on rationality. Like कोई ऐसा reflex action है जिस तरह किसी गर्म चीज को हाथ लग जाए तो आप फौरन उस हाथ को खींच लेते हैं, तो this is a reflex action. तो उसके लिए कोई careful decision making नहीं required. तो इस तरह के reflex action भी होते हैं और बास action ऐसे होते हैं those does not look right job, but they are required to get the job done. तो इस वजह से acting rationally में sometimes जो thinking rationally है वो भी as a part आ जाता है. अगर हम artificial intelligence के अंदर rational agent design को involve करते हैं तो इसके दो advantage हैं. तो फर्स्ट जो एडवांटेज ये है कि एक जनरल अप्रोच है देन लॉ ऑफ थॉट अप्रोच, क्योंकि इसमें जो करेक्ट इन्फ्रेंस है वो एक यूजफुल मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम रेशनैलिटी को अचीव करते हैं और ये रिक्वायर्ड नहीं है. सेकंड, ये मोर अमेनेबल है टू साइंटिफिक डेवलपमेंट देन अप्रोचेस बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन थॉट. Because the standard of rationality is clearly defined and completely general. On the other hand, human behavior, on the other hand, is well adopted for one specific environment and is the product in part of a complicated and largely unknown evolutionary process that will maybe far from achieving perfection. इस वजह से इस कोर्स के अंदर जितने भी हम डिस्कशंस करेंगे वो रैशनल एजेंट्स के अराउंड जो है वो होगी. तो ये हमने जो डिफरेंट डेफिनेशंस को उनको डिस्कस कर लिया.